हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज हम जो है टेबल मैट बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने डिज़ाइन पहले बना कर रखे हुए हैं। ये कैसे बनाए हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है। और ये ऑरेंज है, इसमें ऑरेंज फ्लावर बना है, इसमें क्रीम कलर का फ्लावर बना हुआ है। कुछ हमारे को मोती चाहिए। जितना बड़ा आप ये बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से जो है आपको ये मोती लेने पड़ेंगे, जितने आप फ्लावर बनाना चाहते हैं। और जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कपड़ा लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनेगा। ये देखिए, सबसे पहले जो है हम जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं, जैसे ये है, मैंने लिया है सर्कल। तो ये सर्कल जो है, ये देखिए, ये प्लेट जो ली है मैंने, इसके हिसाब से ये जो है ये प्लेट ली है मैंने। तो ये जो प्लेट जो मैंने ली है इसके, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 4 इंच है, और 4 इंच ही यहाँ से है। ये देखिए, तो ये 4 इंच हमारा, ये जो है ये हमारा स्क्वायर बनेगा। और ये वाला जो है मैंने यहाँ पर प्लेट रखकर इस पर निशान लगा दिया है। ये जो है, जैसे हमारे को ये एक कलर चाहिए, क्रीम कलर है, जैसे मैंने वो लगाया, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। उसके बाद ये मैंने ऑरेंज कलर लगाया। तो आपको दो कलर जो है वो इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए आपको चाहिए। जैसे अब मैंने ये 9 पीस बनाऊंगी, 3 ऊपर 3 नीचे और 3 नीचे तो जाएंगे, तो हमारे 9 पीस। तो 9 पीस में ये है कि 9 पीस हमारे को ये वाले चाहिए और 9 पीस हमें दूसरे कलर के चाहिए। ये देखिए, ये सर्कल मैंने काट लिया, वो रखा है। और उसके बाद जो है हम इस सर्कल को पूरा काट लेंगे। और मैंने यहाँ पर पिन लगा दिया ताकि हमारा सर्कल जो है वो सही तरीके से दोनों पीस आराम से कट सके, कोई भी उसमें गलती ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसलिए हमने ये पिन लगा दी है। और इसको हम यहाँ से काट दिया। ये देखिए, सर्कल काट लिया है मैंने। और यहाँ से जो है मैंने इसको सिल लिया है, ये पूरे को सिलने के बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा जो है इसको यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ पर मैंने स्टिच जो है ये नहीं किया। उसके बाद पूरे इस पे जो है हमने कट के निशान लगाए हैं, ये पूरी तरफ में जो है कट के निशान लगाने। उसके बाद जो है इसको हम पलट देंगे, इसको यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ से जो हमने छोड़ा है यहाँ से इसको निकाल देंगे। ये देखिए, ये हो गया। उसके बाद जो है इसकी किनारी जो है इसको यहाँ से ऐसे लेंगे और इसको पूरी प्रेस कर देंगे दोनों साइड से। ये देखिए, इसको जो है हमने प्रेस कर लिया है दोनों साइड से। और अब जो है इसको यहाँ से जो हमारा ये पोर्शन खुला था इसको जो है अब हम यहाँ से सिल देंगे। इसके बीच में हम सुई को निकालेंगे और इन दोनों को लेते हुए जो है हम सिलेंगे। ये देखिए, इसको हमने सिल दिया। बाकी अब सुई को जो है हम ऐसे ही रखेंगे और धागे को हमने डबल कर देना है। ये धागे को हम डबल कर देंगे, इसमें गांठ, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये है कि हमारे को जैसा जो भी कलर का फ्लावर ऊपर रखना है, जैसे ये क्रीम कलर का है, इसमें ऑरेंज कलर है, तो हमने कौन सा कलर का फ्लावर रखना है ऊपर, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो फ्लावर हमने ऊपर रखना है उसका साइड जो है हम ऊपर रखेंगे। जैसे हमने ऑरेंज रखना है तो हमें ऑरेंज वाला जो है फ्लावर हमारा ये वाला डिज़ाइन आएगा। और अगर हमने क्रीम कलर का रखना है तो हमें क्रीम कलर जो है ऊपर लेना पड़ेगा। अब मैं जो है क्रीम कलर बनाऊंगी, इसमें क्या करना है, अब ये देखिए, जहाँ से मैंने धागा छोड़ा है इसको हम यहाँ से इसका बीच सेंटर जो है यहाँ से निकालेंगे, ऐसे करेंगे और इसको फिर यहाँ से घुमा देंगे। ये देखिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा दबा देंगे दोनों ये साइड, और ये हमारा जो है निशान बनकर आ जाएगा। ये देखिए, ये निशान बनकर आ गया है। आप इस पर निशान लगा सकते हैं या फिर ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर है निशान, एक निशान यहाँ पर, और देखिए ये हमारे जो है 4 निशान बन गए हैं। अब ये जो मैंने धागा यहाँ पर छोड़ दिया था, यहाँ से हम इसको लेंगे और इसको इस वाले निशान को इस वाले पर मिला देंगे। तो ये मिलाने के बाद यहाँ से हम दोनों को सिल देंगे। ये देखिए, एक साइड से हमने ऐसे सिलना है, ऐसे करके सिल लिया ये मैंने। अब ये वाला जो है, ये वाला निशान, इस निशान को यहाँ पर रखेंगे और इस वाले निशान को यहाँ पर ऐसे रखेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ से सिल देंगे।
और धागे गोल घुमाएंगे धागे को, इसके अंदर से निकाल देंगे। तो इसको ऐसे ये है, 2-3 बार आप इसको इसमें ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने 2 बार कर दिया है इसको सुई। अभी इसको ऐसे ही रखेंगे धागे को, अब इसको हम यहाँ से खोल देंगे। ये देखिए ये खोल दिया मैंने। अभी इस पोर्शन को यहाँ से ऐसे लेंगे, इसको यहाँ से पकड़ कर रखेंगे अंगूठे से, इसको यहाँ से करेंगे और बीच यहाँ से उंगली लेंगे और इसको यहाँ से इसको घुमा देंगे। फिर ये वाला लेंगे और इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए ये जो है खोलेंगे तो हमारे ये फ्लावर बन गए हैं। उसके बाद हम एक मोती लेंगे और इसके बीच में यहाँ पर इसको लगा देंगे। मोती जो है मेरा यहाँ से इस साइड से 2 गोल है, दूसरी साइड से हमारा ये इस तरीके से ये है। तो उसके बाद ये यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर जो है मोती को डालेंगे और इसको यहाँ पर बीच में जो है इसको लगा देंगे हम। थोड़ा सा कपड़े में से ऐसे लेंगे जैसे मैंने ये फ्लावर जो है 9 बनाया है, तो हमारे को 9 ही मोती चाहिए। जैसे आप जितने भी आप बनाना चाहें उसके हिसाब से आपको मोती जो है वो लगेंगे आप में। और ये है, अब इसको जो है नीचे ले जाएंगे हम और बिल्कुल हल्का सा टच लेते हुए, कपड़े को बिल्कुल हल्का सा लेते हुए इसको जो है हम यहाँ से पक्का कर देंगे। ये देखिए ये हमने जो है न्यूज़पेपर लिया। न्यूज़पेपर लेने के बाद ये हम एक ऑरेंज कलर का लगाया है, एक क्रीम कलर का, एक ऑरेंज कलर का। अब ऐसे ही जो है हमने इसकी सेटिंग करनी है। ये देखिए स्क्वायर में जो है ये हमारा बन गया है। आप इस डिजाइन से जो है आप जो कुशन भी बना सकते हैं इस डिजाइन से। और ये टेबल मैट मैं आपको बनाने का बता रही हूँ। उसके बाद ये आप सूट में भी जो है पैच बनाकर लगा सकते हैं। ये देखिए अब जो मैंने ये लगा दिया, इसकी मैंने सेटिंग कर ली है। अब ये जो है ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट धागा है, ये प्लास्टिक का धागा होता है। ये वाला धागा मैं इसमें यूज़ करने वाली, क्योंकि ये धागा तब हम सिलेंगे तो कपड़े पर जो है दिखाई नहीं देगा और सुंदर भी लगेगा ये। तो ये मैं इसमें लगाऊंगी, ये आपको जो है मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। देखिए मैंने पिन लगाकर जो मैं इसको सेट कर रही हूँ। आप पिन जो है ऐसे इस तरीके से, पेपर मैंने इसलिए लगाया ताकि हम जो है नीचे कपड़ा ना लगा सकें, इसीलिए मैंने ये लगाया है। अगर आप कपड़ा लगाना चाहते हैं तो इसके नीचे आप कपड़ा भी लगा सकते हैं। एक ये वाला लेंगे, एक पीस ये लेंगे और बीच में हम इसको पिन लगाकर सेट कर लेंगे सारे सभी पीसों को ये ऐसे। ये देखिए पेपर पर जो है ये मैंने सेट कर लिया है, बाकी जो एक्स्ट्रा पेपर था वो मैंने काट लिया है। मैं इस पर जो है जिगजैग करूंगी, दोनों को लूंगी और यहाँ से जिगजैग मशीन चलाऊंगी। जिसके पास ये वाली मशीन नहीं है, जिगजैग वाली मशीन नहीं है जिसके इसमें, तो वो आप जो है यहाँ पर रिबन लगाकर, ये देखिए इस तरीके से रिबन लगाकर जो है आप इसको बना सकते हैं। इस तरीके से लगाएंगे तो ये दोनों पीस जो है जुड़ जाएंगे। तो आप इसको सीधी सिलाई लगाएंगे तो ये हो जाएगा। और मैं जिगजैग लगाऊंगी तो मैं इन दोनों को ऐसे कर कर लगाऊंगी। ये देखिए ये जो दोनों पीस हैं जो, इसको हम ऐसे इकट्ठा रखेंगे और इधर इधर दोनों साइड में हम जिगजैग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों जो है वो कपड़े हमारे इसके अंदर आएंगे। ऐसे ही हमने पूरे इसमें करना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो है टेबल मैट तैयार हो चुका है। ये मैंने जिगजैग इसमें किया है तो ये जो धागा जो है हमारा दिखाई नहीं दे रहा। दोनों साइड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत ये न्यूज़पेपर रह गया इसको हम आराम से निकाल सकते हैं या फिर पानी में इसको डिप कर ये आराम से निकल जाएगा। तो हम इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर है और न्यू आइडिया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।